हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने शुक्रवार को अपने उस आदेश को फिलहाल वापस ले लिया जिसमें राज्य के खिलाड़ियों को उनकी कमाई का एक तिहाई पैसा स्पोर्ट्स काउंसिल में जमा कराने को कहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद इस बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि उन्होंने खेल मंत्रालय से इस आदेश से जुड़ी फाइल मंगाई है। हरियाणा सरकार की ओर से 30 अप्रैल 2018 को जारी एक आदेश में कहा गया था कि राज्य के हर खिलाड़ी को अपनी कमाई का एक तिहाई हिस्सा सरकार के पास जमा कराना होगा। इसमें पेशेवर खेल समेत विज्ञापन से होने वाली कमाई भी शामिल थी। सरकार के मुताबिक इन पैसों का इस्तेमाल राज्य में खेल के विकास के लिए किया जाएगा। इससे पहले सुबह राज्य सरकार के इस आदेश से राज्य के खिलाड़ी बेहद नाराज थे। कॉमनवेल्थ खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट रही गीता फोगाट ने इस आदेश पर कहा था कि अगर ये फैसला क्रिकेटरों तक ही सीमित होता तो समझ में आता, लेकिन रेसलिंग और बॉक्सिंग जैसे खेलों में खिलाड़ियों की कमाई ही कितनी होती है जिसका 33% हिस्सा सरकार मांग रही है। वहीं ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने भी ट्वीट करके इस आदेश का विरोध किया था।